नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि के बारे में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम आ जाते हैं विधि के समय पे। तो मित्रों, विधि का जो समय है वो रहेगा दिन का समय। जी हाँ मित्रों, दिन का समय रहेगा। ये विधि आपको दो चरणों में करनी है। पहला कार्य करना है सोमवार को और दूसरा कार्य करना है शुक्रवार को। जी हाँ मित्रों, पहला कार्य सोमवार को करेंगे और दूसरा शुक्रवार को करेंगे, दो चरणों में करेंगे। और ये वही लोग करें जो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। जिनका अपने पार्टनर के साथ रहना हो वही लोग कर सकते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, बेहद ही उत्तम उपाय है। तो आप अब समय हमने जान लिया है, अब सामग्री जान लेते हैं। सामग्री के रूप में आपको एक पात्र में कुमकुम ले लेना है। जी हाँ मित्रों, सूखा कुमकुम लेना, गीला कुमकुम नहीं लेना। जैसे हमने सूखा कुमकुम ले रखा है, आपको भी सूखा कुमकुम लेना होगा। ये सामग्री के साथ आप प्रातः काल के समय, सोमवार के दिन प्रातः काल के समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि शुरू करेंगे। विधि में क्या करना है, इसको सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है एक मंत्र से। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम सामने वाले का नाम सम्मोहना शक्ति देही भवंतु। ओम एम रीम क्लीम सामने वाले का नाम सम्मोहना शक्ति देही भवंतु। कुल 551 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। अच्छी तरीके से ध्यान से आप करिएगा। 551 बार आप जब ध्यान कर ले और मंत्र का जाप कर ले, उसके बाद आपको इसे रख लेना है अपने घर के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, उसी दिन जब आपका प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी जो भी स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, इससे उसको तिलक कर देना है। जी हाँ मित्रों, इस अंगुली से सामने वाले को तिलक कर देना, कैसे भी करके पहला तिलक उसे लगाना है और फिर खुद के लगाना है। यह करने के बाद मित्रों आप अपने काम में लग जाएंगे और उसको अपने काम में लगने दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कुमकुम आप दोनों के अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर ले। ऐसे करने के लिए आप मित्रों से छुपा कर भी रख सकते हैं। फिर मित्रों आपको कुछ भी नहीं करना, फिर आप अपने काम में लग जाएंगे और सामने वाले को भी अपने काम में लगने दीजिएगा। अगले दिन यानी मंगलवार के दिन आपको कुछ भी नहीं करना। प्रातः काल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको इसमें से कुमकुम निकालना और खुद के तिलक करना है, और फिर दूसरी बार में सामने वाले को तिलक करवाना है। इस बार आपको पहले खुद करना है और दूसरी बार सामने वाले को। आपने उस मंगलवार को कर दिया, बुधवार को भी यही कार्य करेंगे, पहला तिलक खुद के दूसरा सामने वाले के, और गुरुवार को भी यही कार्य कर देंगे। अब आएगा शुक्रवार का समय। शुक्रवार के दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इसे फिर से सीधे हाथ में लेना है, अभिमंत्रित करना है, और फिर पहला तिलक सामने वाले के लगाना है और दूसरा तिलक खुद के लगाना है। यह करने के बाद आपकी विधि समाप्त हो जाएगी। ये कुमकुम आप पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आ जाएंगे, जो भी कुमकुम बचेगा। और फिर मित्रों आप ये देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित होने लग गया है, सामने वाले का व्यवहार आपकी तरफ बदल चुका और वो पूरी तरीके से आपके प्यार में आ गया है। रिश्ता सुधर जाएगा मित्रों, प्यार आ जाएगा रिश्ते में, पर ध्यान से करना होगा, अच्छी तरीके से करना होगा। विधि सही करेंगे तो ही काम बनेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो नंबर आ रहे हैं उनसे बचिएगा, वो फ्रॉड है, उनसे आपको संपर्क नहीं करना है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे, उन पर आप संपर्क कीजिए, आपकी जो भी समस्या होगी उसका हल किया जाएगा। मित्रों अच्छी तरीके से कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है।
मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।